समझो यार, भूख लग रही है। मैं क्या तेरी मम्मी हूँ? जब भी बोलेगी भूख लगी है तो मैं बोलूंगा बस 2 मिनट। ओए, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपना शेफ है। शेफ? और वो भी संजीव कपूर का छोटा भाई, हमारे शेफ शरीश डोडा जी। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। खाना है तो खाओ वरना भूखे मर जाओ। और आज हमारे साथ एक ऐसे शेफ है जिन्हें दुनिया की हर डिश पता है, सो प्लीज वेलकम मिस्टर शैलेश। Thank you. खाना है तो खाओ वरना भूखे सो जाओ। तो आज आप क्या बनाने वाले हैं? मैं आज आपको टीवी सीरियल बनाने का आपको पूरा रेसिपी बताएंगे। सबसे पहले मैं बताएगा आपको पवित्र रिश्ता। ये सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। ये हिंदी सीरियल ऐसे ही होता है, सुन के मुंह में पानी आता है, देख के आंख में पानी आ जाता है। लेकिन तुम्हारे मुंह में पानी आता है तो उसको गिलास में डाल देंगे, बाद में पीने के काम आएंगे। तुम कहो मैं उसमें लिक्विड सोप डाल दूं, तुम्हारे नहाने के काम आ जाएगा। विद फैमिली। मेरे फैमिली के नहाने का डे नहीं है आज, हमारे घर में फिक्स डे है, हमें वीकली नहाते। चलो कोई बात नहीं, अभी शुरू करने के। हाँ शुरू करो। देखो पहले अपने को सबसे पहले एक बर्तन का जरूरत पड़ते। बर्तन में समझ में नहीं भी आया तो हाँ भरने के। टीवी शो में जो भी एंकर होता है ऐसे हाँ भरते हैं, जिंदगी में उसने कभी कुछ नहीं बनाया होता है। तो मैं तुमको बताते, सबसे पहले से नॉन स्टिकी बर्तन लेने का। नॉन स्टिकी बर्तन मतलब चैनले, नॉन स्टिकी होने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चैनल में एकदम प्रोग्राम में बहुत चिपक जाते हैं तो उसको तब तक निचोड़ते जब तक उसका ऑयल नहीं निकल जाते। जब तक वो फ्राइड आलू से उबला अंडा नहीं बन जाता है तब तक उसको चलाते रहते। इसके लिए उसका नॉन स्टिकी होना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि चैनल नॉन स्टिकी है? कोई भी चैनल में कोई भी सड़ा सा स्टोरी अगर 1000 एपिसोड तक नहीं चला है मतलब वो नॉन स्टिकी चैनल है। जिस चैनल में पवित्र रिश्ता जैसी डिश बनानी हो उसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट है? जिस भी चैनल में आपको पवित्र रिश्ता जैसा डिश बनाना हो उस चैनल से आपका रिश्ता पवित्र होना चाहिए ताकि आपकी दाल गल जाए। ये पवित्र रिश्ता कैसी डिश है? सबसे पहले अपने को एक सास मदर इन लॉ की जरूरत है। सास मोटी या पतली? आजकल जैसा फैशन है उसके अंदर सास माँ दादी सास जितनी ज्यादा सूखी होती है उतना ज्यादा टेस्ट देती है। तो एक सूखी सास को आप तब तक कढ़ाई के अंदर चलाएं जब तक वो तीखी ना हो जाए। बाद में थोड़ा सा उसमें फ्लेवर डालने के लिए आप एक तीखी भाभी भी डाल दे, फिर एक अच्छा ननंद एक अच्छा ससुर ये सब मिला के मसाले को बैलेंस कर देते। लेकिन इनके ऊपर में एक टंडी माँ मिलाना बहुत जरूरी है। टंडी माँ? टंडी माँ मतलब कि सब्जी के अंदर कितना भी उफान आए वो गले नहीं, गले समझते ना, मेल्ट नहीं होए, वो अपना तासीर नहीं छोड़े, मतलब कि करेक्टर नहीं छोड़े, ऐसी ही टंडी माँ। लेकिन इस डिश में नया क्या है? कड़ी पत्ता। महाराष्ट्र फूड में सबसे ज्यादा कड़ी पस्ते का यूज होता है। वैसे इस डिश में ऐसे दूसरे बहुत मसाले हैं जिसको पब्लिक 1000 बार टेस्ट कर चुकी है, लेकिन कड़ी पत्ता डालने से ये एकदम नया हो गया। इसका स्वाद बढ़ गया, इतना स्वाद बढ़ गया कि पब्लिक अभी इसको रोज प्राइम टाइम में खाता है और रिपीट में भी टेस्ट करता है। शैलेश जी, इस डिश को पकाने के बाद कितनी देर चल सकती है? ऐसा प्रोग्राम नॉर्मली 2-2.5 साल तक चल सकते हैं। 2-2.5 साल बाद चलने का एक ही प्रॉब्लम है, वो बेस्वाद हो जाता है। लेकिन उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, तब तक पब्लिक को बेस्वाद ऐसा प्रोग्राम देखने का आदत हो जाता है। भी अभी हम आपको एक स्पेशल डिश बनाया है, इसके अंदर हमने 51 मसाले डाले आए।
ये 51 मसाले मिलके जो डिश बनाएगा वो देख के पब्लिक को बहुत मजा आएगा। 15 जनवरी को डिश आपके सामने होएगा, आने का टेस्ट करने का डिश का नाम है भावनाओं को समझो। हम आपको वणक्कम और नमस्ते बोलते हैं।